है। तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके क्या शुल्क हैं, क्या मूल्य हैं। तो अगर आपके पास कुछ CRU है और आप उसको WQ में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो 1 जुलाई से पहले पहले आपको ये शुल्क देने होंगे। तो ये शुल्क जो है हमारे साथ पिछले कुछ महीनों से है, और जो नेटवर्क में जो लोग हैं, या तो आधे से ज्यादा उन्होंने अभी तक इसको परिवर्तित कर लिया है, या शायद जो पुराने हमारे सदस्य हैं उन्होंने अभी तक इसको नहीं बदला है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप देखें ऐसे कौन से सक्रिय सहभागी हैं और उनको आप इसको परिवर्तित कराएं। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि मेरे पास इस समय जो है वो 9,999 करोड़ से काफी कम है, लेकिन हम मुझे बहुत ज्यादा USDU का भुगतान करना पड़ रहा है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आपने EIP खरीदा और आपको CRU बोनस के रूप में मिले, तो ये एक समूह था और इस हमारे बैक ऑफिस में एक एक विशेष तिथि और वक्त पे ये जो बोनस था आपको मिला था। तो ये एक लेन देन हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो जो USDU है वो आपको प्रति लेन देन पर देना होगा, और इसीलिए हो सकता है कि आपके पास जो है कि आपके पास अगर 1,000 करोड़ से 9,999 करोड़ है, और उसके अंदर अगर 4 या 5 लेन देन है, तो आपको हर लेन देन के लिए आपको 2 USDU देने होंगे। तो इसीलिए शायद आप लोगों ने में से किसी ने, काफी लोगों ने एक एक ही लेन देन के लिए आपने 2 USDU दिए होंगे। तो ये आपको बताना होगा, उनको समझाना होगा कि ये लेन देन के हिसाब से है, प्रति लेन देन के हिसाब से USDU का शुल्क लगाया जाता है। तो जिन लोगों ने परिवर्तन कर लिया है, तो ये शायद आपको पता होगा कि आपको हर बार कंफर्म 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 पे दबाना पड़ता है ब्लॉकचेन के अंदर। तो जब भी आप उसको दबाते हैं, तो आपको वो बताता है कि आपको 1 या 2 USDU आपको भुगतान करने हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनके पास केवल 1,000 से 999 करोड़ हो, लेकिन उनको हो सकता है 2 USDU से ज्यादा देना पड़े। लेकिन जुलाई के बाद चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। समझना होगा कि परिवर्तन कैसे काम करेगा, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है आपके इस वेबिनार का। तो आप इसका फोटो ले लीजिए या इसका प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, और अपना पेन और पेपर जो है वो ले लीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आप अपने लोगों को ये जो फॉर्मूला है उसको समझा सकें। तो 1 जुलाई के बाद एक सरल सा एक फॉर्मूला है जिस जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले WCRU की जो कीमत है उसको हम CRU की कीमत से घटाएंगे, उसके अंदर WCRU की कीमत का 1% हम जमा कर देंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि WCRU कीमत क्या है। अब ये WCRU की कीमत जो है ये UGP ग्रुप्स द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हम लोग यहाँ पर उनको अलग अलग चरणों में उनको बताते हैं। तो हर एक चरण में, जब कंपनी एक चरण से दूसरे चरण में जाती है, श्वेत पत्र के हिसाब से, व्हाइट पेपर के हिसाब से, तो WCRU का जो मूल्य है वो बढ़ेगा। तो यदि आप लोग हम लोगों को समझ पा रहे हैं, तो प्लस दबाकर चैट में पुष्टि कीजिए, धन्यवाद। और इसीलिए तो 1 जुलाई से 4 जुलाई तक आपको जो WCRU का जो मूल्य है, और वो केवल और केवल परिवर्तन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 0.01 USDU है। तो उसके बाद 5 से 13 जुलाई तक 0.02 USDU है, 14 जुलाई के 14 से 20 जुलाई तक 0.03 USDU है, 21 से 31 जुलाई तक का मूल्य 0.4 USDU है, और 1 अगस्त 2021 के बाद से ये 0.5 USDU है। तो आप यहाँ पर ये रेट जो है इस चीज के ऊपर नहीं निर्भर करता कि आपने कितने क्रू खरीदे हैं। ये जो 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 मूल्य है, ये केवल और केवल परिवर्तन के लिए है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप WCRU को इस मूल्य पर खरीद सकते हैं, जी नहीं। ये केवल और केवल जो है WCRU
सीआरयू की कीमत इस फॉर्मूला के लिए, इस परिवर्तन के लिए जो है वो निर्धारित की गई है।